लखनऊ जनपद में बनवारी लाल कंचल की व्यापार मंडल के कल्ली बाजार के अध्यक्ष हैं मनोज यादव। इनके नेतृत्व में व्यापार मंडल सदस्य बन गए और संगठन तैयार हो गया। हालांकि समय समय पर इस संगठन ने व्यापारियों की बात को ऊपर उठाते हुए काम भी किया और जनमत के लिए जिस तरीके से व्यापारियों की बात उठानी चाहिए उस तरीके से समय समय पर उठाया भी। कई काम व्यापारियों के हित के और व्यापारियों के ऊपर जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसा हुआ जिसे गलत माना जाता है उसके लिए हिंसक रूप भी अपनाया, लेकिन सावधानी तरीके से। मनोज यादव और उनकी टीम ने कल्ली बाजार के व्यापारियों के लिए बीड़ा उठा लिया है। हम बात कर रहे हैं मनोज यादव से आज, उनके व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने क्या अब तक किया, कैसे किया और क्या आगे करेंगे, इन सभी विषयों पर आज हमारी विस्तार पूर्वक बातचीत। आइए मिलते हैं मनोज यादव से। नमस्कार, हाजिर हैं सीधी बात के कार्यक्रम। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक शख्स है, व्यापारी। क्योंकि इस पूरे भारत में देखा जाए तो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है व्यापारी। व्यापारी वो व्यापारी जो देश को टैक्स देकर देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती के लिए वो कहीं ना कहीं उसका एक उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती, उसी भूमिका को अदा कर रहे हैं कल्ली पश्चिम व्यापार मंडल के। यहाँ पर हमारे साथ सदस्य बैठे हैं, यहाँ के जिला लखनऊ जिले के अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे व्यापारियों के विषय पर और आखिर इस संगठन के साथ जुड़ने के पीछे का इनका उद्देश्य क्या था। एक चीज और, आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में कई व्यापार मंडल के ऐसे संगठन हैं और कई आपस में भिड़ते नजर आते हैं, कई आपस में लड़ते नजर आते हैं। जब एक संगठन दूसरे संगठन से लड़ेगा तो कैसे सार्थक पहल, जिस काम के लिए जिस उद्देश्य के लिए संगठन का निर्माण होता है वो कैसे पूर्ण होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज यादव, यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ जनपद के कल्ली व्यापार मंडल, जो उद्योग व्यापार मंडल है उसके, हालांकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल है हमारे उपस्थित हैं। मनोज यादव, आइए हम मिलते हैं। मनोज जी नमस्कार। जिस तरह से आपने इस संगठन में पदार्पण किया और संगठन के साथ में आपने काफी लोगों को इस जिले में जोड़ा, आखिर संगठन का निर्माण या जिस उद्देश्य से हुआ था उस पर सार्थक रूप से काम कर रहा है, पहली बात आप जब जुड़े तो किस उद्देश्यों से और आखिर क्यों लगा आपको कि आपको इस संगठन के साथ जुड़ना चाहिए और काम करना चाहिए? देखिए, काम तो जो उनकी आवाज से जुड़े थे काम तो हो रहा है, काम तो सारे होते हैं जब आप काम को कराना चाहें तो जी, हम लोग काम को कराते हैं और मेहनत करते हैं, जाते हैं अपनी टीम के साथ, तो समस्याएं होती है व्यापार में भी उनको लिखते जाते हैं और उनको करवाते हैं। आखिर क्यों लगा आपको कि संगठन के साथ अब जुड़ना चाहिए, वो कौन सा सन था जिसमें आपने सोचा कि नहीं अब आवश्यकता है, और कौन सी घटना थी जिससे आप आहत होकर संगठन जुड़े? 2016 की बात है, 16 में हम लोगों ने जो है व्यापार मंडल और हमें जब से इसके प्रति लगा कि हम अपनी यूनियन को बनाएं, एक दिन की घटना है कि हम अपने घर करते थे और एक हमें पड़ोस में हमारे बच्चे का चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं और वो 5 सीटर की दुकान रखते हैं, तो उनके यहाँ एक बाहर से गाड़ी आ रही है वर्दी में, क्योंकि मेरे यहाँ पुलिस नहीं थी, वो बाहर से थी और वो आए बोले कि दादा, अरे दादाजी एक सिगरेट वगैरह मिलेगी हमें, तो दादाजी जो है बड़े संकोच में थे लेकिन फिर भी बोले भाई हमारे जो है रक्षक हैं और हमारे सिपाही हैं, लाओ मैं एक सिगरेट दे दी, तो सिगरेट निकाल के डिब्बी में उन्होंने देने लगे सिगरेट उनको, तभी उसी समय गाड़ी से दूसरे सिपाही आ रहे और उनका हाथ पकड़ दिए कि आप तो जो है खुली सिगरेट बेच रहे हैं और इस सिगरेट को खुली सिगरेट बेचने में अपराध है। उन्होंने कहा कि सर हम ये अपराध नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने सिगरेट खोले और भाई साहब ने रिक्वेस्ट किया कि दादा मुझे एक सिगरेट, अगर कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए कोई आ जाए तो उसे भी हम सिगरेट देते हैं और आपको रिश्तेदार अपना समझ के सिगरेट दे रहे हैं, बोले ऐसा नहीं आप सिगरेट बेच रहे हैं खुली सिगरेट बेच रहे हैं और आपका वीडियो हम ले रहे हैं और आप जो है इसमें जुर्माना देंगे, आपको जेल जाना होगा, क्योंकि बुजुर्ग आदमी थे जेल जाने के नाम से रोने लगे, जब रोने लगे तो उन बुजुर्ग आदमी से उस समय हम लोगों के सामने 11 रुपए लिए गए, लेने के बाद उन्हें छोड़ा गया, तभी से हमारे मन में ये जागरूकता आई
अगर आज मेरे ही सामने मेरे बुजुर्ग चाचा के साथ ये हादसा हो रहा तो कल मेरे साथ ही होगा या और किसी के साथ होगा। हम लोगों ने जो यहाँ मार्केट में इस बात का इस विषय पर चर्चा की, तब लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करते एक यूनियन मजबूत कर ले कि इस तरह की जो अराजक तरीके से घटनाएं घटित होंगी या व्यापारियों को जो है जबरदस्ती लूटा जाएगा तो इसके लिए एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, एक यूनियन की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। तभी हम लोगों ने जो निश्चय किया कि एक संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे। फिर हम लोग जो है गए माननीय बनवारीलाल कंचन जी के पास, उनसे मिले। उन्होंने कहा ऐसा करें कि आप पहले अपने यहाँ का कोई प्रतिनिधि चुन लीजिए, आपस में चुनाव करा दीजिए जैसे और मुझे बुला लीजिए, फिर हम आते हैं और आपको सतर्क करने बुलाते हैं, उसके बाद आप जो है आपका एक व्यापार निकल कर हो जाएगा और ये संगठन बन जाएगा आपके साथ, मेरा पूरे प्रदेश का व्यापारी आपके साथ होगा, आपके सुख में साथ होगा। यानी 2016 के आसपास आपको लगा कि जुड़ना चाहिए और आप जुड़े। अच्छा एक चीज़ और, आपने कहा कि जिस तरह से उस बुजुर्ग के साथ में घटना घटना यानी ना जाए घूस देना पड़ा, कहीं ना कहीं अपराध बहुत बड़ा, तो व्यापारी को ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उस पर आक्रोशित हुए, संगठन जुड़ गए, लेकिन कितना आपने इस पर सार्थक रूप से काम किया इस एक वर्ष में, क्या काम किया इसमें जो है? तब से अगर कोई गुंडागर्दी होती है मार्केट में, एक बार गुंडागर्दी हुई थी, बाहर लोग आए कि दुकान वाले को जबरदस्ती कि ये इस रेट में नहीं उस रेट में, ऐसा नहीं वैसा है, हम पैसे इतने उतने दें, हमने तुमको 2000 नोट दिए या 1000 भी, उस समय खैर 1500 भी चल गए, आज 2000 चल गए, लेकिन उस टाइम पे कि पता चला कि दुकानदार को दिए 100 की नोट, बोल रहे थे 500 की आपको दिया और जबरदस्ती 400 लेके जाएंगे, हमने 100 रुपये सौदा लिया, सामान लिया, दिए 100 रुपये लेकिन जबरदस्ती लेके जाएंगे, क्योंकि एक दुकानदार को कुछ अराजक तत्व के लोग आते थे जबरदस्ती परेशान करने के। तो हम लोग दो तीन बार गए इस विषय में, सारा संगठन हमारा गया और उनको जो है उल्टा वहां से काम करना, तो काम हमारा जो है संगठन का पंगा चल रहा। और मुझे जब से ये गठन हम लोगों ने बनाया है तब से अब ये बस एक दो घटनाएं घटी हैं, उसके बाद कोई घटना मुझे नहीं दिखाई होती, कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई गरीब मार्केट में जबरदस्ती कर रहा हो, कोई लड़ाई कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और हम जो अपनी जरूरत के लिए अगर किसी पास जाते हैं अपने संगठन के साथ तो मेरी सुनी जाती है जी, और मुझे जो है सुन के मेरी जरूरतें पूरी की जाती है। हमें हैंडपम्प भी मिले हैं माननीय विधायक की ओर से और हमें SSP महोदया की ओर से पुलिस चौकी प्राप्ति हुई है और व्यापार मंडल के मेहनत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक शौचालय भी उनको जहाँ मिल जाए, क्योंकि मार्केट में महिलाएँ आती हैं, बहुएँ आती हैं, बहनें आती हैं, माताएँ आती हैं, अगर टॉयलेट जाना हो तो उन्हें मेरी मार्केट में कभी कोई व्यवस्था भी नहीं अव्यवस्थित है शौचालय के। हम लोग प्रयास करते हैं कि एक शौचालय का जल्द से जल्द निर्माण कराएं। मनोज जी देखिए कभी कभार ऐसा होता है, इतने संगठन हैं पूरे प्रदेश और व्यापारियों के अलग अलग छोटे छोटे संगठन कई बन चुके, तो उसको आप कहते हैं कि 10 व्यापारियों ने मिलकर संगठन तैयार कर दिया, 20 व्यापारियों ने मिलकर तैयार कर दिया, क्या आपके संगठन के साथ वैसा नहीं है? तो अन्यों के साथ में मैंने देखा है कई व्यापारियों को राजनीति में घुसेड़ देते, कहीं कहीं उनका पदार्पण वो राजनीति व्यापारियों को लेकर फिर किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ समर्पित हो जाते हैं, तो व्यापारियों का इस्तेमाल इस संगठन में नहीं होता है, इसको कैसे मानेंगे? भाई जब से हम लोग जुड़े हैं इस संगठन में, अभी हमें 1 साल हुआ है, तो उस टाइम से अभी तक मुझे नहीं ऐसा लगा है कि कोई व्यापारी किसी राजनीति दल में भरा हो। जो पदाधिकारी हैं बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मंडल परिषद में, उन्होंने भी हम लोगों से कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि नहीं आप किसी पार्टी का समर्थन करें या अलग से कहीं पे जाएं, ऐसा कुछ उन्होंने आज तक नहीं सीखा। अच्छा चलिए मानिए इस बात को मान लेते हैं, लेकिन आपका अगर देखा जाए निजी तौर चुनाव जब था आपसे पहले विधानसभा का, आप समाजवादी पार्टी के नेता के साथ दिखे, उसके बाद जब आप उससे पहले ब्लॉक प्रमुख का था तब भी आप समाजवादी पार्टी के नेता के साथ दिखे, उनको जिताने के लिए पूरे भरसक आपने प्रयास की, उसके बाद प्रधानी क्या आया तो लगभग फिर भी उसमें ऐसा ही कुछ नजर आया। आपके ही संगठन के संरक्षण में रामचंद्र जो संरक्षण में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते रहते, तो ये सब तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ ही आपका लगाव जुड़ाव चलना फिरना, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि राजनीति नहीं? नहीं राजनीति देखिए वो राजनीति रामचंद्र जी की अलग है, आप हम नजर नहीं आते हैं,
और ना ही हम किसी का समर्थन करते हैं। हाँ ये है कि कोई भी नेता आएगा अगर वो हमें फोन करके काम करके आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आपके हम आना चाहते हैं और आप हमें समय दें, तो उस अधिकार से और उस नाते मानवता के अनुसार से हम उनको समय देते हैं। आप कभी बसपा के, बसपा के साथ नहीं गए, अगर उन्होंने हमें बुलाया है उनके साथ नहीं गए, और अगर हम अगर हमें बीजेपी वालों ने बुलाया हम उनके साथ नहीं गए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि पूर्व में जिस तरह से अखिलेश ने काम की क्या वो ठीक थे? अब मेरे हिसाब से क्या, वो तो हमारे यहाँ हर जगह जो भी हमने सुना है बच्चा बच्चा कहता है कि नहीं कार्य तो अच्छे थे उनके, ये कोई उनकी प्रशंसा नहीं है, आप ये मत समझिए पार्टी लेवल से, लेकिन उनके कार्य अंदर के मन बाहर आ गया। हाँ, उनके कार्य जो भी हुए हैं सभी ने देखा सराहनीय कार्य। वर्तमान सरकार क्या लगता है कि जैसे काम कर, और वर्तमान सरकार जो भी कार्य कर रही है मेरे हिसाब से तो सही कर रही है, हम क्यों उसे बुरा कहेंगे, और अच्छे कार्य भी कर रही है। जैसे कौन कौन से अच्छे काम? जैसे कि इस टाइम पे आपका जब शुरुआत में नोट आज गोरखपुर की घटना इस तरह से घटित हुई, दो तीन दिन पहले लगातार चल रहा है, बच्चों की 63 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है गैस के कारण, ऑक्सीजन नहीं मिला, आप ये कहां से काम, ये एक काम नहीं काम तमाम ऐसे क्राइम रेट देखिए बढ़ गया है, क्राइम बढ़ा है, व्यापारियों की ये समस्याएं काफी बढ़ गई है, जीएसटी आने की बात जीएसटी की समझ है वो कहीं ना कहीं कम है। आई है तो जीएसटी की सबसे पहली बात तो मेरा सवाल जीएसटी का सवाल इतना है, आप जो कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ठीक है, कहां से ठीक है उसको स्पष्ट। अब ठीक मतलब सबसे पहले तो जो हम लोगों ने देखा है एक एंटी रोमियो ग्रुप जो चलाया गया था वो तो कहीं ना कहीं विफल है, कई तमाम उदाहरण विफल नहीं है मेरे हिसाब से, वो बहुत अच्छे थे और थे और हुए थे, काफी हद तक बच्चे जो है सुधार में आए हैं। सबसे पहला अच्छा कार्य तो ये मुझे लगा इस सरकार का, दूसरा जो ये कर्जा माफी का चल रहा है अभी हुआ नहीं चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, कई लोग अपने अपने आधार लेके जा रहे हैं बैंक में कुछ कर रहे हैं, आज मेरे यहाँ भी एक लोग जो है आए और हमसे जो पेमेंट दिया हमने गाँव में छुट्टी दे दीजिए, हमने कहा कि दादाजी आप देखिए प्रधान जी ने मुझे बुलाया है कि वहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा ठीक अच्छी बात आप जाए, इसी तरह जानकारी होती, बाकी हमको इतना समय तो होता नहीं कि हम बीजेपी कार्यालय में जाके जानकारी लें या सपा कार्यालय में जाके जानकारी लें। जनतंत्र को आज मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं या आपको बातचीत के या चर्चा के माध्यम, क्योंकि व्यापारी आप अध्यक्ष पद पर हैं करनी बाजार के, कहीं कहीं जानकारियां तो प्राप्त होती रहती है, आपको जानकारी होगी, आप बोलना नहीं चाहते पूरी तरह मुझे ऐसा। हाँ मैंने बोलना क्या, हम व्यापारी हैं तो हम किसके आधार पर, आपका एक दायरा है परिधि है उसके अंदर, क्या आपकी दृष्टि से आने वाले समय में आप कोई व्यापारियों के लिए करनी बाजार के अध्यक्ष के नाते कुछ यहाँ के लोगों के लिए सोचा है कि मुझे ये करना है अभी ये लाना है उसको सर? व्यापारियों के लिए क्या लाना है, बस वही उनकी जरूरतें लाना है, जैसे कि अब हमने अभी आपको बताया कि एक शौचालय की जरूरत है, शौचालय लाना है, साफ सफाई की व्यवस्था करानी है, और जैसे स्वच्छता क्या बिल्कुल नहीं, स्वच्छता यहाँ कोई बस वही है कि जो आपके नेशनल हाईवे वाले लोग आते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन वो भी पूर्ण रूप से उठाएंगे, उनकी मर्जी जहाँ उठाए जहाँ नहीं तो हमको जाके बोलना। आपने कभी स्थानीय विधायक, स्थानीय यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय प्रधान, इन स्तरों पर बातचीत नहीं की? नहीं बातचीत नहीं की, ब्लॉक स्तर से बातचीत की, वहाँ जवाब आया कि नहीं आपके यहाँ एक सफाई कर्मचारी बाजार में छोड़ा जाएगा, या आश्वासन है भी हुआ? आश्वासन है भी हुआ, आश्वासन है, लेकिन अब चूंकि गए हैं फिर जाएंगे, अगर नहीं हो रहा फिर जाएंगे, और हमारे यहाँ जो जिला पंचायत के प्रतिनिधि गए हैं वो शशि बालाजी, तो उनके पति से मेरी वार्तालाप हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हमने उनसे एक सवाल किया था कि नेताजी आप ये बताएं कि मेरी मार्केट से आपके जिला पंचायत में लाखों रुपए वसूली जाती है और आज से नहीं शुरू से जा रही है, और आपके जिला पंचायत विभाग ने मुझे क्या दिया, हम व्यापारियों को क्या मिला? बोले कि भैया ऐसा है कि हम लोगों को तो सिर्फ रोड मिलती है बनाने के लिए, और रोड आप बताइए कहाँ बनवा देंगे, हमने कहा रोड पे हम लोग बैठे हैं रोड कहाँ बनवा देंगे, और अगर आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे एक शौचालय दे दीजिए अपने निधि से बनवा दीजिए और एक दो हैंडपैप आप लगवा दीजिए, अगर जिला पंचायत के माध्यम से कहीं बाजार के लिए जगह चिन्हित हो जाए, तो फुटपाथ बाजार है जो आज की डेट में हमारे यहाँ नेशनल हाईवे के माध्यम लगती है, और उधर नहरिया की तरफ घूम के लगती है जो पीछे से 3-4 गांव हैं वो बाधित होते हैं, उनके कई बार मेरे पास लिखे एप्लीकेशन आए कि आप अपनी मार्केट को यहाँ से हटवा लें,
क्योंकि मेरे पास जमीन नहीं है, हम भी मजबूर हैं, वो भी ज्यादा मजबूर है। इस पर आपको क्या लगता है, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अभी तो बातचीत साधारण चल रही है, अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो आगे हम अपने संगठन को और बढ़ा करके और कुछ अधिकारियों पर जो मेरे ऊपर के अधिकारी उनके पास समझाएंगे, उनको साथ लेके हम अपनी प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे तमाम मुद्दों के साथ। तमाम आपको लगता है कि इन्हीं, अच्छा इसके अलावा भी क्या लगता है कि आज इस तरह जीएसटी लागू हुआ उसके बाद देखा गया कई व्यापारियों की इसकी समझ भी नहीं है, मुद्दे वो लागू कर दिया गया, क्या इस पर व्यापारियों को समस्या हो रही है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से समस्याएं तो आ रही है और व्यापारी अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, लगती तो लागू हुआ है, लेकिन अब समस्या आएंगी कि हर एक चीज का बिल काटना, हर एक की लिखा पढ़ी एंट्री करना। भाई अभी तक था कि हमने माल खरीदा बेच दिया, बेच के जो है जो थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी थी वो मेन मेन कर ले, अब तो हर एक चीज लिखा पढ़ी करना, व्यापारी हम दुकान अपनी देखेंगे कि उसका पूरा समय लिखा पढ़ी गुजार देंगे। सबसे बिल्कुल नहीं ठीक, सारे व्यापारी से विरोध कर रहे, सारे व्यापारी कितनी बार प्रदर्शन भी हुआ जीएसटी खिलाफ, कितनी बार सारे व्यापारी सब जीएसटी के जो अध्ययन करने कितनी बार कितना प्रदर्शन हुआ, यानी कहीं ना कहीं जीएसटी आपको लगता है कि थोक दिया गया? हाँ बिल्कुल थोक दिया गया, इसको इससे चूंकि लागू हो चुका है, अब चल गया है, तो अब तो आप सुधार हो तो क्या क्या होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट पूर्ण रूप से व्यापारियों की समस्या को संज्ञान ले तब तो हम लोग कुछ दावे के साथ कह सकते हैं, हमारी कहने की बात मानी जाएगी, लेकिन हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया, बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ गए प्रदर्शन गए, लेकिन कहीं से कुछ सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई, और हम लोगों ने यह भी कहा कि कुछ संशोधन कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट उसमें क्या संशोधन करती है, क्या उस संशोधन करके पत्रावली लागू करती है, वो जब मेरे सामने आएगी तभी हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, भाई क्या करेंगे, संशोधन कर दिया गया संतुष्ट रहना पड़ेगा। जैसे कि 2 साल की सीधे कैद थी, उस बात से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके लिए हमें जो पहले समय दी जाए और उन्हें जांच दिया जाए, तारीख की ना कि हम गए और मेरी कोई कमी मिली, तारीख का आपने बोली नहीं डाल दिया 2 साल जैसे, इसके लिए हमारे माननीय गवर्नर कंसल के नेतृत्व में हम लोग जो है कई बार प्रदर्शन भी किए, तो इसी में हम लोग आपको संतुलन निरंतर जारी है और आपको लगता है कि आगे संतुलन होना चाहिए? हाँ मनोज जी, देखा गया है आपके साथ अधिकतर आप राजनीति से जुड़े रहते हैं और आप हमेशा कहते हैं मैं राजनीति जुड़ा नहीं, दो बातें नहीं आती, दोनों बातें समझ की बात, पहले तो आप एक स्पष्ट करें कि आप राजनीतिकरण नहीं करते, अगर राजनीतिकरण नहीं करते तो समाजवादी पार्टी के साथ आपको नजर आए, समाजवादी पार्टी के साथ अधिकतर आप नजर आए, जिताने के लिए आपने कई गुप्त मीटिंग भी की, ये सब कुछ तो आपको लगता है बाहर कुछ और मन में कुछ और, वही है ना मुख्य राम बगल में छुई, ऐसा कुछ लगता है, इसमें स्पष्ट करें क्या है? जब कोई सरकार आती है और प्रेजेंट टाइम पर जब सरकार होती है तो हम व्यापारियों को या किसी को उसके साथ जाएँ, और रही बात गुप्त मीटिंग की, कोई ये चीज़ आपके सामने कोई प्रदर्शित कर दे या कोई पात्रता ला के रख देगी, जो है गुप्त मीटिंग की। अब बात ये है कि गुप्त मीटिंग कोई वीडियो नहीं होती, वो भी स्पष्ट है, नहीं अच्छा, लेकिन तमाम जगह आपको समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में, समाजवादी पार्टी के समर्थन में, आप व्यक्तिगत में क्या आपको देखा उसके सबूत है? नहीं, आपके पास सबूत होंगे, ठीक है, आप सबूत आपका सबूत होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे अगर उन्होंने हमें आमंत्रित किया तो भाजपा में बसपा में कम थी ज्यादा थी मात्रा हमेशा कम थी, ऐसा था कि प्रेजेंट टाइम पे मेरे यहाँ पे जो जब हमारा ये करना है व्यापार मंडल गठन करना है, हमारी समाजवादी पार्टी के ही सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार भी, तो उन लोगों ने अगर मुझे आमंत्रित किया और तो अगर बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट मुझे आमंत्रित करता, जब भी आमंत्रित किया है बीजेपी को या बीजेपी का हो तो वहाँ भी गए, और मेरा मोबाइल नंबर आपके जो संजय सिंह चौहान जी थे उनसे भी मिले हैं, उनके पास मिले कई बार, मैं भी उनकी संजय जाती हूँ, तो अब चूँकि पार्टी है तो हम व्यापारी हैं, सबको कुछ ना कुछ कहना है और मुझे सुनना है, हम वोटर हैं। आपको लगता नहीं आपके विचार कुछ
अलग होने चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हमारी कुछ शर्तें हैं, उस पर अगर आप मान रहे हैं हम आपके साथ। क्या आपको लगता है शर्तों के आधार पर, क्योंकि अगर शर्त नहीं रखेंगे तो आपको हो गए ना कि आप जिनके साथ चाहा बिल पेजी को लुटा आप लग गए। नहीं 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 ऐसा नहीं है, शर्तों का आधार है। नहीं नहीं शर्तों का आधार जब हम सरकार जिसकी बनेगी उसके साथ हम शर्तें रख सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप जिसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार में कभी नहीं है और चुनाव प्रचार से मेरा कोई रास्ता नहीं है। और एक बात तो आपने बताया कि नहीं आपको कई जगह देखा गया है, तो देखा गया एक वोटर के रूप में, जनता के रूप में, जनता के रूप में देखा गया, ना कि हमने कहीं अध्यक्ष अब बने। हालांकि आपके समाज से भी बहुत पहले से आप समाज के प्रति या समाज में रहने के बहुत पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं अब अध्यक्ष होने के बाद में जब ये विधानसभा के चुनाव आए तब तो आपको बचना चाहिए था। और अध्यक्ष जो है जब यहाँ पे कोई समस्याएं आती व्यापारियों की वहाँ पे, बाकी हमें आम जनता के नाते जो है कोई अपने अंदर अपमान नहीं, घमंड नहीं और ना कोई भूल। अच्छा भविष्य में क्या लगता है आपको, आप देखा जाए पिछली बार भी जनता की जितनी राय थी मन, और जनता जनता के नाते एक बार बाबू आपको बता दें कि जैसे कि हर आदमी के अंदर ये लालसा होती है कि देखिए फला नेता क्या बोले। आपने अगर मुझे देखा होगा कहीं भीड़ भाड़ में जहाँ पे आप बोल रहे हैं हैं वो होंगे, लेकिन वही तो होंगे जिस तरह से आम पब्लिक सुन रही है कैंडिडेट की बातों को उसी तरह से हम भी सुनते हुए नजर आएंगे। अपने व्यापारियों को अपने समिति को मजबूत करना और एकत्र करना, अगर कोई समस्या किसी व्यापारी सामने आती है उसको जो है हम लोग साथ बैठ के मीटिंग करके उसको काम करते हैं। राजनीतिक पार्टी से मुझे कोई बात योगेश सिंह दीपू चुनाव लड़ने की तैयारी में इब्राहिमपुर, हाँ आप उनके साथ नजर आते, उनका उनका साथ चलना उनका धरना कहीं ना कहीं बहुत सक्रियता नजर आए। हाँ क्या आपको लगता है ये बात, आप उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगना है? वो हमारे फ्रेंड हैं, हमारे भाई हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं अगर वो भी हमें आमंत्रित करेंगे कि भैया आपको जो है मेरे साथ कहीं चलना तो साथ को जा सकते हैं, साथ जाने में तो मेरे साथ कोई बुराई नहीं, ना कि अब हम जाके कुछ करें चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे कुत्ते हैं और व्यापार मंडल का गठन करने भी उन्होंने कहीं ना कहीं से हमें प्रेरित किया था और मेरे व्यापार मंडल विजय को अध्यक्ष भी हैं, तो हमें तो व्यापारी के नाते जाना है। अगर माननीय बनवारीलाल कंछल जी जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं अगर वो हमें आदेश कर दें कि नहीं हम लोगों को इस पार्टी में जाना है तो सकते हैं। अच्छा एक बात, क्या मनोज यादव भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप तैयारी में क्यों लग रहे हैं? आप आखिर आप बताएं। नहीं ये चीज दावे साहब से नहीं कह जा सकते कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, मन में कुछ है, मन में जनता जब चुका है, जनता जब चुका है, जनता के बिना नेता चलता भी नहीं। जाहिर सी बात है ये तो बात आप ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कैसे ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात इतनी है कि अगर जनता ने साथ दिया तो आपको ये चुनाव लड़ने का, अगर जनता ने साथ दिया क्योंकि समाज सेवा करना हमें अच्छा लगता है। अगर यहाँ का कोई छोटा नेता है जैसे आपका यहाँ पे तो भी प्रधान लेवल से चलता है छोटा नेता, तो प्रधानी को चुनाव अगर प्रधान मेरे हिसाब से कार्य अच्छे नहीं कर रहा है और हमें लग रहा है कि नहीं हमारे यहाँ जो है काफ़ी समस्याएं हैं प्रधान जी जैसे, और प्रधान जो वहाँ पे सारे कार्य नहीं करवा पा रहे हैं नहीं कर पाए और जनता का मुझे सहयोग मिला, तो हम इस लालच से जाएंगे कि हमें सामाजिक कार्य और ज़्यादा अच्छे से अच्छे करने को मिले। कौन सा दल होगा जो आपको पसंद होगा उसके बाद जनता के बीच में? जनता के बीच में क्योंकि अभी ये दल की पार्टी के बीच में बात नहीं है, थोड़े पद से चले हैं, जब आगे चल के कोई बड़ा चुनाव आता है अच्छी हो अच्छी इसकी रीत नीति सिद्धांत आपको पसंद हो आप चलिए जेल कर दीजिए ये चीज़। नहीं ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते, ये चीज हम निकल इसलिए आपको नहीं कर सकते हैं कि हमें पहले तो आपके मुस्कान कह रही है कि आपके दिल में कोई और है, साइकिल होगी दिल में? ऐसा कुछ नहीं है कि साइकिल दिल में है या कमल दिल में है या हाथी दिल में, मेरे लिए हमने आपसे पहले ही बताया कि सभी दिल में है और जिसकी सरकार प्रेजेंट टाइम पे हमें तो सिर्फ अपनी जरूरत उनसे पूरी करवाना है। मोदी जी और मोदी जी ने जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कुछ कार्य मोदी जी ने अगर अच्छे नहीं किए होते तो मोदी जी ऐसे आ जाते बहुत।
चेहरे पे चमक ऐसे नहीं आते है, हर एक जो है जितने आपने सवाल किए थे उस सवाल पे कि अखिलेश के क्या कार्य आपको सराहनीय लगे, तो हमें क्या जनता जी करे। और जो आज की डेट में हम देखते हैं आपके आपकी मीडिया के माध्यम से पेपर माध्यम से कि माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि भाई अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री ये चीज कई बार आपकी मीडिया से पढ़ा गया है, हम लोग तो आने ही गए कि देखते हैं पढ़े हैं सुने, तो उस आधार पर हम भी सराहना करते हैं अखिलेश जी की। और ना कि हम अगर मुख्यमंत्री नहीं देखा गया तो आने वाले समय में अगर ना ये अगर क्या 2022 में होने उस समय आपकी स्थिति यानी अच्छे विधायक अच्छे मुख्यमंत्री की तरफ फिर से हो जाएगी तो आपकी नज़र से अच्छे देखा जाएगा, वो आप भी देखेंगे जनता भी देखेगी। अब इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं और ना ही इस विषय पर हम कोई चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमने बात किया मनोज यादव से, उनकी राजनीति के विषय पर आपने सुना, अभी तक स्पष्ट नहीं किया, बहुत कट्टर ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा दल होगा, किस समय वो राजनीति में उतरेंगे, कौन से चुनाव में पदार्पण होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कल्ली बाजार के व्यापारियों के साथ इनका तन मन और धन पूरी तरह उनके साथ में, उनके हित के लिए, उनके हित के मुद्दों के लिए, और उनके अहित होगा तो उसमें आक्रोश के रूप में आगे होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। कैमरामैन आशीष दीक्षित के साथ मैं सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एजेंसी।